नमस्कार साथियों, हमीरपुर जिले के सरीला ब्लॉक के मनखेरी गांव में आंगनवाड़ी भवन नहीं था, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद समुदाय के साथ मीटिंग की और स्क्रीनिंग का आयोजन करते हुए ज्ञापन लिखा गए। समुदाय के लोगों ने निर्णय लिया और प्रधान जी को ज्ञापन दिया, तब जाकर इस समस्या का समाधान हो पाया। पहले हमारा केंद्र नहीं बना था तो कुछ दिन हम किराए पर लिए रहे, इसके बाद दूसरे केंद्र पर शिफ्ट हुए तो बच्चों में काफ़ी दिक्कत उठाती थी। संतोष रानी हमारे यहाँ पर आई थी, उनको हमने सारी समस्या बताई अपनी, तो उन्होंने अपना मतलब ज्ञापन लिखा और हमारी उच्च अधिकारी को दिया, तो फिर हमारा केंद्र बन पाया है। तो हम अलग केंद्र में अपने बच्चे बिठाने लगे और अच्छी तरह से पढ़ाने लगे और संतोष रानी जी आई थी, उन्होंने विद्यालय में जा कर के वीडियो बनाया और हमको बताया कि यहाँ पर 3 आंगनवाड़ी केंद्र हैं लेकिन 2 ही आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो तीसरे का प्रस्ताव डालकर उसको बनवाया गया जिससे तीनों केंद्र संचालित हो गए, जिससे गांव के जो छोटे बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से फायदा मिलने लगा। राम, पहले एक ही केंद्र में बच्चे इकट्ठे बैठते थे तो अब अलग अलग केंद्रों में बच्चे बैठ रहे हैं, जिससे बच्चों को भी सुविधा हो गई और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी सुविधा हो गई। पहले जी समस्या थी कि ये थे पानी बरसा तो हम केंद्र ना बने तो बच्चे न रहते, हम बहुत परेशानी में थे। तो जब बच्चे तुम आए तो हम जब केंद्र दिखे तो मैं समस्या बताई, तुमने हमारी समस्या की दूर हल करी तो हम केंद्र बन गए। अब हम सुकून से बच्चा रहे गए, अब हम सुकून से रहने लगे, केंद्र बन गो अच्छी तरह। सब बच्चे आप बताइए, बच्चे आपके खुश हैं? हाँ, बच्चे हमारे खुश हैं। हम जब से तुम आई हो, जब से हमने तुम्हें बताया तो तुमने हमारा काम जो हल करो, हम केन बन गो, केन बन गो, सो हम इसे ठीक खुशी हैं। और हमारे बच्चे 20-25 बच्चे हैं केन में, इसे हम ठीक रहा है और बच्चे भी खुशी, हम भी खुशी। आप सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। संतोष रानी, उत्तर प्रदेश, जिला हमीरपुर, इंडिया नेट के लिए।